गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है GNDU और सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर कि अभी अभी 4 से 5 क्लासेस का रिजल्ट पब्लिश हुआ है GNDU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलो जल्दी से हम आपको चेक करके बताते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में जाके गूगल में जाके सर्च करना है GNDU रिजल्ट। जैसे आप सर्च करोगे तो जो फर्स्ट साइट आपकी स्क्रीन पर ओपन होगी जहाँ रिजल्ट का, वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर ऐसा पेज खुल जाएगा, तो आपने थोड़ा सा नीचे जाना, स्क्रॉल करना है रिजल्ट वाली सेक्शन में जाके सेमेस्टर सिस्टम न्यूज आने का, वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट वाले पेज पे पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले आपने ईयर पे क्लिक करना है, 2023 को सिलेक्ट करना है, मंथ पे क्लिक करना है, दिसंबर को सिलेक्ट करना है, कोर्स टाइप पे क्लिक करना है, पास कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट क्लास पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सभी क्लासेज होने लग पड़ेंगे जिन जिन क्लासेज का और सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो अभी अभी जिन क्लासेज का रिजल्ट आया है वो फर्स्ट क्लास आया है बैचलर ऑफ वोकेशन डाटा साइंस। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट सेमेस्टर पर आपने क्लिक करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो आप जिस भी सेमेस्टर के होंगे प्लीज़ उस पर क्लिक कर दें, उसके बाद रोल नंबर भर के सबमिट कर दें, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जिसका रिजल्ट अभी भी आया है वो है, थोड़ा सा नीचे जाना आपने, स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, वो है बैचलर ऑफ वोकेशन रिटेल मैनेजमेंट। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद सेलेक्ट सेमेस्टर पे आपने क्लिक करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो आप जिस भी सेमेस्टर के होंगे प्लीज़ उस पर क्लिक कर दें, उसके बाद रोल नंबर भर के सबमिट कर दें, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जिसका रिजल्ट अभी अभी आया है वो है बैचलर ऑफ वोकेशन थिएटर एंड स्टेज क्राफ्ट। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद सेलेक्ट सेमेस्टर पर आपने क्लिक करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो आप जिस भी सेमेस्टर के हों सिंपली उस पर क्लिक कर दें, उसके बाद रोल नंबर के सबमिट कर दें, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे होगा। ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, उम्मीद है कि आप सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया होगा और सभी स्टूडेंट्स पास होंगे। तो जैसे ही किसी और क्लास का या फिर किसी सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो हम आपको बता देंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।